नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 7:30 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवन काल में वह होनी होने वाला है कि दोस्तों कोई व्यक्ति इनकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटना होगी जो सभी लोग चाहते होंगे, सभी लोग सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होना था। लेकिन दोस्तों, वही घटना आप सभी के साथ होने वाला है और बड़ा ही अनर्थ वाली घटना होगी, जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर दोस्तों घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी की किस्मत में वह बड़ी घटना होने वाली है कि दोस्तों घर और परिवार खुशी से नाचेंगे। बड़ी ही खुशखबरी आपको यश में 4 चित्रों से मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 4 चित्रों में आपको खुशखबरी और खुशखबरी ही मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बात हैं जिन्हें जानना और जिन्हें समझना आपको अब बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, समय के साथ आपके ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो चुके हैं। अब दोस्तों, पहले जैसा समय आपका नहीं रहेगा। जो सपने आपने सोचे हैं, वे सपने अब सच होने वाला समय आ गया है। और दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप कोई भी अपने हाथों से जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल गलती मत कीजिएगा जिनसे आप सभी का समय बिल्कुल ही विपरीत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रु हमेशा आपके ऊपर लगा रहता है, हमेशा आपके कार्यों में टांग खिंचाई करते रहता है। दोस्तों, जब समय आपके लिए महत्वपूर्ण है तो यश में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 7:30 के उपरांत से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का संयोजन हो रहा है जिनके कारण दोस्तों धन योग का निर्माण हो रहा है, राजयोग और साथ ही साथ दोस्तों सुख समृद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि जड़ से खत्म होने वाली है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके मन में उलझे हुए थे, दोस्तों उन सभी का भी अब आपको समाधान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, हम इस बात की दावा करते हैं जो भी जातक इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, दोस्तों उनके जीवन काल में जो भी परेशानियाँ हैं वो खत्म तो होगी, जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, लाभ के ऐसे नए दरवाजे आप खोल देंगे जिनसे आपका आने वाला भविष्य बिल्कुल ही सूरज की तरह चमकेगा। जी हाँ दोस्तों, तो है दोस्तों, समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाकाल का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर होंगे, कष्टों का निदान आप सभी का हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशि के लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। आपको रोजाना राशिफल समय समय पर मिलेगा। आने वाले समय में जो भी समस्याएँ हैं उनका समाधान आपको समय से पहले ही प्राप्त होगा, जिनसे दोस्तों आप हर मुश्किल परिस्थितियों में विजय हासिल करेंगे, अपने जीवनकाल के हर सुखों को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से आपकी कुंडली में शिव नाम का शिव योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, महालक्ष्मी नाम का भी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिनके कारण दोस्तों धन योग का निर्माण हो रहे हैं और राजयोग का निर्माण हो रहे हैं। सुख समृद्धि नाम का भी योग का निर्माण होगा, जिससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में खुशियों से भरा समय आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में खुशखबरी और खुशखबरी रहने वाली है। आज शाम से आप सभी के जीवन काल में आपको एक नई जिंदगी मिलने वाली है, जिनमें दोस्तों आपको अपने जीवन काल के शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी और जो भी खुशियाँ आपकी नसीब में है दोस्तों वो आपको मिलकर ही रहेगा। कि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जीवन काल में सुख का आना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन काल में दुख का आना बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, बड़ी बात वो है जो आप कर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कर्म करेंगे समय आपके लिए वैसे ही बदल जाएंगे, जैसे आप कामना करेंगे समय आपके लिए वैसे नहीं होंगे।
अगर आप वैश्विक कामना के साथ कार्य भी करेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में खुशियों का आना बहुत ही छोटी सी बात है। ईश्वर का साथ मिलना आपके लिए बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने पिछले समय में इतने सारे मेहनत किए हैं, इतने सारे संघर्ष किए हैं, जिनका परिणाम है जो कि दोस्तों यश में आपको मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो कि अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। और आज शाम से आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही कौन से उपायों को अब आपको करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त हो। साथ ही साथ दोस्तों कुछ गलतियां, कुछ सावधानियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आने वाले समय में आप भूल कर भी मत कीजिएगा। दोस्तों यही गलती है जो कि आपको अपने जीवनकाल में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, आपको हमेशा असफलताओं की ओर लेकर जाता है। तो दोस्तों ये सब बातें भी अपने जीवनकाल में ढालना भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यश में सुख समृद्धि नाम का योग आपके कुंडली में बनने वाले हैं, जिनसे दोस्तों धन के नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। जो लोग धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, जिनको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा जो लोग मेहनत कर रहे थे पिछले कई समय से और उनको लाभ नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके लिए खुशखबरी आने वाली है। धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेंगी जिससे धन कमाने के आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, धन कमाने के आपके प्रबल मौके आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यश में खुशखबरी आपको कौन कौन से क्षेत्रों में से मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहला खुशखबरी आपको कार्य क्षेत्र से मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों धन के क्षेत्र से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो, जहाँ से आपको इज्जत सम्मान और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, पदोन्नति हो सकती है। जी दोस्तों, यश के कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा कार्य करने के मौके मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग नए कार्य की तलाश में थे दोस्तों, उनको कार्य मिल सकता है, मनचाहा कार्य मिलेगा जिससे उनका मन यश में खुशी से प्रफुल्लित रहेगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कार्य क्षेत्र में जो भी आपने पिछले समय मेहनत किए हैं दोस्तों, उनका परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होगा जिससे दोस्तों घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और यह समय आपके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, खासकर आपके व्यापार के क्षेत्र को लेकर। जी दोस्तों, जो लोग पिछले कई समय से सोच रहे थे कि कुछ हम नया व्यापार को शुरू करेंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है, जिनमें अगर आप कार्य करेंगे तो दोस्तों आपका कार्य की रफ्तार दुगनी तेजी से बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद यश में आपके साथ है। सुख समृद्धि नाम का जो योग है, जो शिव नाम का योग है और महालक्ष्मी नाम का योग है दोस्तों, ये सभी आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आपके जीवनकाल में आपको ऐसी सफलताएं प्राप्त होगी कार्यों से जिनकी आपने दोस्तों कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवनकाल में कई सारे ऐसे मौके हैं जो कि अचानक से खुलेंगे, जो कि आपको मालामाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते आपको बता दें कि कुछ ऐसे संकेत भी आपको भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि आपको कोई ऐसा बात कह दे जो कि आपको बुरा लगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भूल कर भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों का बात को ना टालें। दोस्तों यश में भगवान का ऐसा संकेत आपके सामने आ सकता है, खासकर दोस्तों भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की जीवनकाल में बूढ़े के ही रूप में आकर उनकी परीक्षा लेते हैं। तो दोस्तों अगर यह समय से आपको अपने जीवनकाल में घर के माता पिता या फिर दादा दादी या फिर कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो दोस्तों आपको उन पर गौर करना है। जी दोस्तों, उसे इग्नोर, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों ये कार्य अगर आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपके कार्य यूं ही फलीभूत होंगे और सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दूसरा जो आपको खुशखबरी मिलने वाली है वो है दोस्तों आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में। जी दोस्तों, पिछले कई समय से आपके घर में आर्थिक तंगी छा गई थी, पिछले कई समय से पेशे की किल्लत से घर में परेशानियां पैदा हो रही थी, पेशे के समस्या से ही
आपके घर में कई ऐसे कार्य रुक गए थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ऐसे में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों घर की सारी समस्याएँ, घर में जो पैसों की किल्लत है वह समाप्त होने वाली है और घर में फिर से वह खुशियों का माहौल आ जाएगा जो कि दोस्तों आपके पिछले समय थे। जी दोस्तों, आपने जो कामना किए हैं दोस्तों ये सारे कार्य बनेंगे। घर में परिवार का सहयोग आप सभी को प्राप्त होगा, आपसी सहयोग से आप बड़े कार्यों को भी कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जाने अनजाने में भी आप किसी गलत व्यक्ति के साथ मत रहिएगा। दोस्तों गलत व्यक्ति का साथ हमेशा परिवार को तोड़ देता है, परिवार में ऐसी बातें खड़ी कर देती है जिससे दोस्तों रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और बने रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने अनुसार ही आप कार्य कीजिएगा, हमेशा आप सोच समझकर ही कोई भी कदम उठाइएगा, कोई भी फैसला लीजिएगा। कि दोस्तों पारिवारिक माहौल अगर आपके साथ है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवनकाल में आने वाले समय में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी दोस्तों, साथ मिलकर चलेंगे तो दोस्तों जीवनकाल में जो भी समय होगा उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यशमी ग्रहों की जो स्थिति बनी है, जो माँ लक्ष्मी नाम का योग का निर्माण हुआ है दोस्तों, इनसे आपके संतान से संबंधित जो भी समस्या था दोस्तों वो दूर होंगे और संतान से आपको खुशखबरी मिल सकती है। तनाव यश में आप मुक्त रहेंगे, तनाव से आपका स्वभाव यश में बिल्कुल ही खुशनुमा रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके जीवनकाल में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। जी दोस्तों, कोई आप ऐसी योजना बना सकते हैं जैसे कि कहीं पर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, कहीं पर आप पूजा पाठ करने की भी योजना बना सकते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सबसे पहले आपको बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना है, उनका साथ लेना है। अगर वो चाहे आपके साथ जाना तो दोस्तों उन्हें भी आपको साथ लेकर जाना है, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके साथ सकारात्मक शक्ति हमेशा साथ रहेगी और जो भी आप सोचेंगे उनमें दोस्तों हमेशा आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उनका आदर सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी दोस्तों आपको कार्यों में समस्याओं का समाधान मिलेगा। तभी दोस्तों आने वाले समय में आपको नए राह की प्राप्ति होगी जिनमें आपको सफलता मिलेगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का भी आपको इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत व परिश्रम यश में रंग लाएगा जिसे दोस्तों आपके अंदर आत्मविश्वास और जो भी ऊर्जा है वो बनी रहेगी। जी दोस्तों, ईश्वर के ऊपर यश में आप बिल्कुल भी भरोसा ना तोड़ें। दोस्तों यश में ईश्वर का आशीर्वाद साथ है तो दोस्तों ईश्वर से ही आपको हर कार्यों को करना है। कार्य को शुरू करने से पहले आपको भगवान भोलेनाथ, अपने इष्ट देव जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका धन्यवाद जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, यश में आपको अपनी योग्यता व फिर क्षमता पर गर्व महसूस होगा, अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर भी गर्व महसूस होगा। क्योंकि दोस्तों यश में आपका जो समय होगा बहुत ही अच्छा समय है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जिनसे दोस्तों समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी तारीफें करने वाले हैं, लोग कहेंगे कि वाह क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी। दोस्तों बहुत सारे ऐसी सम्मान आपको अब मिलने वाली है। जी दोस्तों, खासकर समाज में आपका यश में रुतबा बढ़ने वाला है, समाज में लोग आपका आदर सम्मान करेंगे। बशर्ते दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ही साथ है। तो दोस्तों अहंकार की भावना अपने अंदर बिल्कुल भी मत लाइएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछले कई समय से आपके जीवनकाल में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जिनसे लोग आपको घमंडी समझते हैं, जिनसे लोग आपको ऐसे अहंकारी समझते हैं जिनसे आप नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस धरती पर आपको लोगों को खुश बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिसे कार्य कर रहे हैं अगर वह कार्य आपकी नज़रों में अच्छा है, ईश्वर की नज़रों में अच्छा है, तो दोस्तों आप उस कार्यों पर डटे रहिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो समाज के लोग हैं दोस्तों, ये आज आपके पक्ष में हैं, कल आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, या फिर आप कितने भी अच्छे कार्य कर दें वो भी आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। वो तब तक आपके पक्ष में रहेंगे जब तक आप उनको उनके लिए कार्य करेंगे, उन्हें खुश करने के लिए कार्य करेंगे। जो चीज़ वो चाहते हैं अगर आप वो कार्य करेंगे तो ही वो खुश रहेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों ये सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने कार्यों के ऊपर फोकस करना है। दोस्तों ये बात हम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि दोस्तों कभी कभार आप समाज की बातों में आकर खुद के कार्यों को छोड़ देते हैं, चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिससे दोस्तों आपको कार्य करने में भी मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों अब हो जाए सावधान,
यही सावधानी है हम जो कि आपको पहले बताए थे, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यही सावधानी है जिनको अब आपको रखना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि इसमें जो ग्रहों की स्थिति बनी है, जो माँ लक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण है, शुभ समृद्धि नाम का जो शुभ योग का निर्माण है दोस्तों, इनसे धन प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, नौकरी प्राप्ति का भी योग इसमें आपको बनने वाला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें आपके प्रत्येक क्षेत्र में कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, घर परिवार का जो माहौल है वह बिल्कुल ही खुशियों से प्रफुल्लित रहेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इसमें विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं दोस्तों, हम उन सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने पढ़ाई को लेकर बिल्कुल एकाग्रचित रहें। दोस्तों आपके लिए आने वाले शो में बहुत ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सलाह आप अवश्य लें, अपने माता पिता का सलाह आप अवश्य लीजिएगा। दोस्तों घर के जो भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है उनका सलाह हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और ये आपको कभी भी गलती करने से रोकेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो ग्रहों की बदलती चाल है आपके लिए बहुत ही लाभ के मौके लेकर आई है, धन प्राप्ति की योग बना रही है, इसलिए दोस्तों आप कार्यों को सोच समझ कर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो भी धन प्राप्ति के आपके लिए योग बनेंगे उनमें अगर आप कार्य करेंगे तो दोस्तों सोच समझ कर ही कार्य कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में आप कोई भी कार्य मत कीजिएगा। दोस्तों जल्दबाजी में किया गया कार्य आपके लिए हमेशा असफल रहा है और यश में भी असफल रहेगा, तो दोस्तों सोच समझ कर ही आप यश में फैसला कीजिएगा। दोस्तों कोर्ट से संबंधित जो भी मामला है, जो भी ऐसे अड़चने हैं उनके लिए भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों ये जो मामला है ये आपके पक्ष में रहेगा और ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बड़ी एक जीत भी आपको दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में किसी भी अन्य व्यक्ति पर, गैर व्यक्ति पर आपको आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। उनकी बातों में आकर आप जो भी कार्य करेंगे दोस्तों वो आपके लिए नुकसानदायक होंगे। अपने क्रोध पर आपको इसमें काबू करना है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है कि दोस्तों ये आपका स्वभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, बने बनाए रिश्तों को भी तोड़ सकता है। तो दोस्तों हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि नम्र व्यवहार रखना है और बातों को हमेशा धीरे से और कम आवाज़ों में ही बोलना है। इनसे दोस्तों आपका जो समय होगा, जो भी परेशानी होगी वो काफ़ी हद तक कम होगी। जो भी ग्रहों की स्थिति बनी है दोस्तों वे आपके लिए शुभ है, लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी ग्रहों की अशुभ स्थिति बनती है तो केतु हमेशा व्यक्ति को चिड़चिड़ापन में डालने का प्रयास करता है जिनसे उनका मति खिन्न हो जाए। इसलिए दोस्तों ऐसे ग्रहों की स्थिति शुभ है, आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। इनसे दोस्तों आपका जो समय है वो भी सोने पे सुहागा वाला बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपना स्वभाव बिल्कुल भी दयालु प्रवृत्ति के रखने हैं। दोस्तों इनसे आपको बहुत ही अच्छा खुशी की अनुभूति होगी और दूसरों के प्रति सहायता करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हमेशा ईश्वर का साथ इनसे मिलता है, आपके कर्मों का जो घड़ा होता है दोस्तों वो भी इनसे भरता है। तो दोस्तों इन बातों का आप यश में ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक और बड़ी सावधानी बता दें कि आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे खास लोगों का साथ छोड़ना है जो कि आपको अंदर से लगता है कि यह व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति आने वाले समय में आपको ऐसा धोखा देने वाला है जिनसे आपके मन की स्थिति बिल्कुल ही भंग हो जाएगी और फिर से आप बिल्कुल ही शून्य महसूस करेंगे, बिल्कुल ही आप अपने आप को नीचा हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें, अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत किसी के साथ मिलजुल कर रहे हैं तो दोस्तों यश में आप सावधान रहें, इनसे आपको बड़ी धोखा मिल सकता है। आने वाले समय में दोस्तों ये आपको नुकसान दे सकता है। किसी के साथ अपने गुप्त बातें आप शेयर कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी आपको बंद करना है। आने वाले समय में दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। दोस्तों ये आपके करियर को बिल्कुल ही भंग कर सकता है। जी दोस्तों, उन्नति के जो भी रास्ते हैं उन्हें बंद कर सकता है। तो दोस्तों गुप्त बातें बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं शेयर करना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों बहुत सारे पिछले समय आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई है कि जिनके भी साथ आप भरोसा करके अपने बातों को शेयर किए हैं दोस्तों, वही लोग आपकी बातों को जानकर आपका गलत फायदा उठाए हैं। इसलिए दोस्तों अब आपको अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है। यश में आपके लिए लाभ की स्थिति है और दोस्तों अगर आप यश में इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों समय आपके लिए फिर से वैसा ही होगा जैसे आपने कभी सोचा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें
कि ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। जहाँ पर पेशा सही है वहाँ पर खर्च करना है, और जहाँ पर लगे कि ये फिजूल खर्ची है तो दोस्तों उस पर आपको प्रतिबंध लगाना है। दोस्तों इससे माता लक्ष्मी खुश होती है। अगर आप पेशे का दुरुपयोग करते हैं तो दोस्तों इनसे माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जो भी युवा वर्ग हैं उन्हें हम खास सलाह दे दें कि यश में मौज मस्ती में ज़्यादा समय को नष्ट ना करें। इनसे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खराब होगा। समय के साथ साथ आपका आने वाला भविष्य में जो भी आपके कार्य हैं दोस्तों वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें, समय को बिल्कुल भी नाजायज व्यर्थ में खर्च ना करें। दोस्तों हमेशा कार्य की बातें करें, सही लोगों के साथ रहकर, पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर आप अपने कार्यों को करें। दोस्तों जीवन काल में जो भी आपको कामयाबी मिलनी है वो सारी कामयाबी आपको मिलेगी। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपको अपने अंदर ढालना है। ये आपके लिए आने वाले समय बहुत ही खास है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। साथ ही और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप सभी को बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिससे दोस्तों आप सभी का दिल और दिमाग बिल्कुल ही खुश हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद।